पाकिस्तान एसोसिएशन इंडस्ट्री एग्जीबिशन की जानिब से बरतानिया से आए हुए ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकारों के एजाज में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर एम खुर्शीद बरलास, चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री अमीनुर रहमान, एग्जीक्यूटिव मेंबर PAEI फहद बरलास, सीनियर बानी मेंबर PAEI, जबकि ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकारों की जानिब से ब्रिटिश पाकिस्तानी बैरिस्टर यासिर गुलरेज, मोहम्मद फारूक खान, जाहिद हटक, आजम खान, मोहम्मद आबिद खान, साजिद इकबाल और दीगर शरीक हुए। इस मौके पर दोनों वफूद के दरमियान पाकिस्तान और बरतानिया में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और सरमायाकारी के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी को मौजूद तरीन मुल्क करार दे दिया गया। बरतानिया से आए हुए वफद ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सियाहत और सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया, जबकि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री की जानिब से ब्रिटिश पाकिस्तानी वफद को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई गयी। इस मौके पर दोनों वफूद के दरमियान मुस्तकबिल में राबते जारी रखने और मुख्तलिफ अमूर पर मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री की जानिब से बरतानवी वफद को यादगारी शील्ड दी गई। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम जो आजकल पाकिस्तान के दौरे पे है और आज इनकी मुलाकात हमारी एसोसिएशन के साथ हुई है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री। खड़क साहब बड़े ही अजीम इंसान, इनसे हमारी बर्मिंघम में मुलाकात रही और आज हमें बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छे हमने फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स और प्रोजेक्ट पर डिस्कस किया है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बड़ी कॉमन चीज़ें ये हैं कि वहाँ बहुत बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा मौजूद है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी एम्बेसडर का रोल अदा कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के। इंशाल्लाह अनकरीब हमारी एसोसिएशन वहाँ विज़िट करेगी इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वहाँ हम इंशाल्लाह इनके साथ MOU साइन करके और फ्यूचर में बेशुमार प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला हम साइन भी करेंगे और इनको पाए तकमील तक भी पहुँचाएँगे। हम ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम को जो है बहुत खुशामदीद कहते हैं इस्लामाबाद में, कि इनकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और जब भी हम लोग बर्मिंघम और UK गए हैं तो इनकी मेहमान नवाजी से बहुत लुत्फानंदोज़ हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में हम मज़ीद कॉपरेशन जो है इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करें बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। जी बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान एग्जीबिशन फोरम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने हेवियन होम्स के प्लेटफॉर्म से, कि जो कि एक ब्रिज है हेवियन होम्स UK से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है बहुत हाई लेवल के साथ। इंशाल्लाह काफ़ी इन्वेस्टर हमारे साथ रबते में हैं और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा रबता रहे और हम उनके साथ काम करें। हेवियन होम्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पहली दफ़ा UK में वजूद में आया है और उसी के ज़रिए हम ये काम शुरू कर चुके हैं। इंशाल्लाह हमें यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, हमने मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ भी मुआशरत की है कि हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए यहाँ पे और हम यहाँ पे इन्वेस्टर जो डेवलपर हैं और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें कि वो अपनी चीज़ें इंग्लैंड में बेच सकें। ये हमारे हेवियन होम्स की बहुत बड़ी कारकर्दगी है। बहुत शुक्रिया जी।